सबसे पहले घर से बाहर आ गए, कितना स्ट्रेस लेवल ऊपर आ गया है मतलब घर से बाहर आने के बाद, और क्या कुछ नया देखने मिला है मैं तो उसके सोचा आप गर्ल से बाहर आ गए, आप ये बोल रहे हैं बाद? घर से बाहर हैं, अभी भी थोड़ा दिमाग थका हुआ है, अभी भी घर में वो चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, दिमाग थोड़ा एक होता है ना टाइट सा है, तो और बहुत ही जल्द 3-4 दिनों में ठीक हो जाएगा, और काफ़ी अच्छा लग रहा है घर से बाहर आए हैं, बहुत ही यादें जुड़ी हैं घर से, वो अभी तक निकली नहीं है, बहुत ही जल्द निकल जाएंगे। कैसा एक्सपीरियंस रहा घर के अंदर, पूरे लड़कियों के बीच में घिरे हुए थे आप, कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए घर के अंदर लड़कियों में घिरा हुआ था वो तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, वो तो मैं घर में गया था क्योंकि मैं हूँ ही ऐसा कि मैं जहाँ पे जाऊँगा मैं लड़कियों में तो फेमस हो ही जाऊँगा, तो मुझे अच्छा लगता है, लड़कियों ने मुझे पसंद किया, पूरा सपोर्ट किया, बहुत ही अच्छा लगा। सबसे बेस्ट बॉन्डिंग किसके साथ बनी और कौन है मतलब जिसको बाहर भी आके मिलना चाहेंगे आप? आप ही बता दीजिए किसकी बॉन्डिंग अच्छी है, आप जो नाम बोलना चाहते हैं बोल दीजिए ना, वैसे तो बहुत सारे हैं, वीना है, जसलीन है, एक सबके वो साथ आप एक ही पर्टिकुलर नाम बोलिए ना। जसलीन आई गेस। उसका नाम आता मेरी सांस बहुत लंबी हो जाती है। देखिए जसलीन के साथ मेरी बॉन्डिंग घर में बहुत ही अच्छी रही, डे फर्स्ट से मैं उसके साथ बहुत ही कंफर्टेबल था, हमने बहुत ही बातें की और रात को 4-4 बजे तक बातें करते थे, घर में के लड़कियों ने हमारे लिए मुद्दा बना दिया था कि ये पारस के लिए आई है जसलीन और मयूर के साथ अफेयर चल पड़ा है इसका, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसके हाथ पकड़े थे, किस किया, चाहे वो मेरे बेड पे आके बैठी, मैंने उसके साथ बातें की सुबह के 5-5 बजे तक, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसकी बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं एज ए फ्रेंड उसको हमेशा अपने साथ रखना चाहूँगा। राइट, तो जब ये शो आपको ऑफर किया गया था आपने कुछ सोचा था उस बारे में कि मैं ये गेम खेलूंगा या फिर अंदर जाके ये कुछ नहीं करूंगा? नहीं मैं कभी सोचता नहीं हूँ क्योंकि आप जो सोचोगे वो उल्टा हो जाएगा, जब मुझे शो ऑफर हुआ मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं शहनाज के लिए जा रहा हूँ और इतना बड़ा रियलिटी शो है, मुझसे शादी करोगी तो मुझे जाना चाहिए, और मैं घर में गया और मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ शहनाज के साथ रह के, और शहनाज एक बहुत ही बिंदास लड़की है, मस्त मौला लड़की है, क्योंकि वह पंजाब से जो दिल में वो सामने बोल देती है, वो दिल अपने अंदर कुछ भी नहीं रखती है। शहनाज ने जो है स्टार्टिंग में बोला था कि मैं उस तरह का बॉन्ड लड़कों के साथ नहीं बना पाऊंगी, तो थोड़ा सा मॉरल डाउन हुआ था आप लोगों का या नहीं नहीं फिर? नहीं मेरा बिल्कुल मॉरल डाउन नहीं होता, क्योंकि वो लड़की ने जो सामने से बोला 3-4 दिन में तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, और हमें भी मालूम था कि वो पहले से है कुछ, उसका बॉन्ड उसका सिद्धार्थ उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है, करीबी दोस्त है, जो 5 महीने गुजारे हैं काफ़ी अच्छे गुजारे होंगे, तो उसने हमें सामने से बोला, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और वो हमेशा उसकी रिस्पेक्ट रहेगी। राइट, इसके अलावा जैसे आपने कहा कि जसलीन आपकी सबसे अच्छी दोस्त है, तो लास्ट में अगर जसलीन होती तो क्या आप जसलीन को ही चूज़ करते या बिल्कुल फिर आपका बिल्कुल, डिसीजन सेम रहता? अगर लास्ट में जसलीन होती तो मैं जसलीन का ही नाम लिखता और वो मेरा नाम लिखती, बट जसलीन वहाँ पे नहीं थी तो मैंने शिवानी का नाम लिखा। राइट, तो बाहर आने के बाद मतलब जो फैंस है उनकी तरफ से क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले, क्या कुछ अपने बारे में सुनने मिला मतलब? देखिए फैंस ने मुझे बहुत ही प्यार दिया, जो उन्होंने मुझे पूरे शो में देखा, जैसे कि मैंने हर एक किरदार में आया, जैसे कि मैं नेल पॉलिश लगाई अपने हाथों में, विग डाली, लिपस्टिक लगाई, साड़ी डाली, लहंगा डाला, हर एक गेम के अंदर मैंने फाइटिंग भी की है, पानी वाले टास्क, सारे फैंस को मेरे ये सब चीज़ें अच्छी लगी, और इन फ्यूचर अगर मैं कभी भी लाइव आऊँगा मेरे फैंस मुझे जो करेंगे मैसेज करेंगे तो उनके लिए मुझे अगर साड़ी भी डालनी पड़े, और उनको मुझे मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, इनको होता ही नहीं है, इनसे जाता ही नहीं है, तो मैं वो भी उनके लिए करने को रेडी। राइट, बहुत सारे हैशटैग बने थे शिवनाज के, लेकिन हमने देखा कि शो के दौरान जो है मयूर नाज के भी बहुत सारे हैशटैग्स बने, तो उसको लेके कितनी खुशी होती है? और देखिए अगर मयूर नाज के हैशटैग बने मुझे बहुत ही एक फ़ख्र फील होता है कि अगर शहनाज का मैं आज बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ और अगर मयूर नाज एक टैग जोड़ा गया तो वो हमेशा एज ए फ्रेंड हमेशा बरकरार रहेगा। जी, और सिद्धार्थ और शहनाज की केमिस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे, लोग अभी भी दोनों को बहुत याद करते हैं? देखिए सिद्धार्थ और शहनाज की केमिस्ट्री बहुत ही बेस्ट केमिस्ट्री, और उनका बहुत ही जल्द एक गाना आने वाला है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा, जो 500 मिलियन क्रॉस होगा पर डे में, और 24 तारीख को रिलीज़ हो रहा है, मैं सभी को बोलूँगा कि आप उसको लाइक करें और पसंद करें गाने को, और डेट्स इट। सो आने वाले समय में आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो ऑडियंस देख पाएगी? देखिए अभी मेरी एक मूवी आने वाली है 2-3 महीने बाद इनोसेंट, और जैसे ही कोरोना वायरस निकलेगा हम अपने वायरस शूटिंग में दोबारा फैलाना शुरू कर देंगे और लड़कियों से प्यार करना शुरू कर देंगे। राइट, शहबाज के साथ आप मतलब बहुत सारी फ्रेंडशिप देखने मिली है, तो क्या उनके साथ कोई प्लान है आपका? देखिए शहबाज एक बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है, और जो उसके दिल में होता है वही वो बोलता है, और शहबाज के साथ मेरी 3 म्यूज़िक वीडियो आ रही है पंजाबी के अंदर, जैसे ही कोरोना वायरस ख़त्म होगा शहबाज और मेरा वायरस फैल जाएगा, और शहबाज की वीडियो का नाम भी है शहबाज बन गया हीरो।
और कोरोना वायरस के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं कोरोना वायरस के लिए सभी को ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने घर में ही रहें और अपना सैनिटाइजर साथ रखें और किसी से ज़्यादा हाथ मत मिलाएं और बाहर मत जाएं, ताकि ये वायरस बहुत जल्दी फैल रहा है और इंडिया में भी हमारे आ चुका है, सेलिब्रिटी को भी हो चुका है। तो बी अलर्ट और अपने घर में रहिए और घर में खाने पीने का सामान ले जाइए, क्योंकि कभी भी बाज़ार बंद हो सकता है। थैंक यू सो मच। वेलकम।